जी तो नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं उस्मान खालिद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। तो आपके लिए मैं आज नई जो है वीडियो लेके आया हूं पावर पावर पॉइंट के हवाले से, और टॉपिक का अनवान है स्लाइड शो। स्लाइड शो की अगर हम बात करें तो ऐसा स्लाइड शो है जो हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो स्लाइड शो जो है ना वो उसको बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अमूमी तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही प्रेजेंटेशन है और उसमें हमने तीन मौजूदात बात की है, जिसमें वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। तो हम चाह रहे हैं कि वर्ड का जो स्लाइड है उसका स्लाइड शो अलहदा बन जाए, एक्सेल का स्लाइड शो अलहदा बन जाए, पावर पॉइंट का स्लाइड शो अलहदा बन जाए। मुझे सारा ही यानी कि जब मैं प्रेजेंटेशन बनाऊँ तो मुझे सारी ही स्लाइड ना दिखानी पड़े, सिर्फ मुझे मखसूस जो स्लाइड है ना वो दिखानी पड़े। उस पर्पज़ के लिए जो है हम कस्टम स्लाइड शो जो है ना बनाते हैं। तो चलें हम इसको देखते हैं कि किस तरह हम कस्टम स्लाइड शो जो है अपनी मर्जी के साथ जो स्लाइड शो जो है वो बना सकते हैं। तो उसमें आपने जाना है स्लाइड शो में, स्लाइड शो में जाएं तो इसका जो पहला ग्रुप जो है स्टार्ट स्लाइड शो, और उसमें अगर हम देखें तो सब एक ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो, हम उस पर क्लिक करते हैं जी। तो उसके अगर हम देखेंगे तो आपको एक कस्टम शो का ऑप्शन नजर आएगा, और उसमें हमने ये देखें ये पहले से मैंने स्लाइड शो बनाया हुआ है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब नए सिरे से जो है वो स्लाइड शो बनाएंगे, तो उसमें हमने न्यू पे क्लिक करना है। ये देखें सबसे पहले पूछ रहा है कि आपने उसका क्या नाम रखना है, तो हम इसका नाम रख ही वर्ड लेते हैं जी, सिर्फ वर्ड की स्लाइड जो है ना इसमें होंगी। उसमें उसके लिए हम सबसे पहले वर्ड की एक स्लाइड, ये यूज ऑफ वर्ड ये दूसरी स्लाइड है, ये एडवांटेजेस ऑफ वर्ड ये तीसरी स्लाइड है, ठीक है। तो इस तरह हम स्लाइड शो जो है ना वो बना सकते हैं। अच्छा, इनके हम टाइप चेंज कर सकते हैं, ये देखें इधर से इसको पहले और इसको पहले, ठीक है जी। इस तरह इसको हम नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं जी। ये देखें तो हम दोबारा जो है इसको यूज ऑफ वर्ड्स एडवांटेज ऑफ वर्ड ये दोबारा हम इधर लेके आ सकते हैं जी, ठीक है जी। तो इस तरह ये स्लाइड जो है जो हम अपने स्लाइड शो में दिखाना चाह रहे हैं, तो ये हम ये स्लाइड्स इन कस्टम शो में ले आए। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, देखें एक नया स्लाइड शो बन गया इसके नाम से, ठीक है जी। तो इसको हम कॉपी करके एक नया स्लाइड शो भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम इसको डिलीट कर देंगे, इधर से रिमूव कर देंगे, हमने एक ही रखना है। तो अगर आपने इसमें एडिटिंग भी करनी हो तो मजीद आप इसमें जाके जो है वो ये देखें इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम फर्स्ट पे ले जाते हैं क्योंकि हमारी ये टाइटल स्लाइड है, ये देखें जी इसको मैं फर्स्ट पे ले गया। तो इस तरह हम इसमें नया स्लाइड शो भी ले सकते हैं जो हमारे पास मौजूद है, उसको एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और उसकी कॉपी भी कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप हमने ये देखें, ये आपके सामने जो स्लाइड शो चल रहा है ये वर्ड और ये देखें, ये देखें जी आपका ये खत्म हो गया जी। देखें बाकी स्लाइड जो है वो शो नहीं हो रही, ये इसका फायदा है कस्टम स्लाइड शो का, कि आप अपनी मर्जी के साथ जो है वो स्लाइड शो अपना बना सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम दूसरा स्लाइड शो बनाना चाहिए, देखें जी एक्सेल के हवाले से, ये देखें हम एक नया स्लाइड शो बना लेते हैं जी। इसमें पहली स्लाइड होगी, फिर एक्सेल, फिर इसका यूज ऑफ एक्सेल और फिर एडवांटेज ऑफ एक्सेल। तो इधर हम एक्सेल जो है वो स्लाइड शो बना लेते हैं, ये देखें जी। तो इस तरह आपके सामने अगर हम देखें तो ये दो स्लाइड शो जो है ना वो शो हो रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, ये देखें स्लाइड शो, देखें एक्सेल की स्लाइड आ गई है, फिर ये दूसरी स्लाइड और फिर इसकी ये तीसरी स्लाइड। तो इस तरह हम मुख्तलिफ स्लाइड शो एक ही प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है जी। तो मजीद अगर हमने इसको देखना हो तो सेटअप स्लाइड शो में जाएंगे। सेटअप हम ये चलाएंगे ना ये स्लाइड शो, तो फिर तो ये जाहिर है पहले से ही स्लाइडें सारी यानी कि स्लाइडें शो होंगी, तो फिर जाके जो है वो प्रेजेंटेशन एंड होंगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब स्लाइड शो चले तो सिर्फ वर्ड वाला ही चले, तो उसके लिए फिर हमने सेटअप स्लाइड शो पे जाना है। तो यहाँ पे शो स्लाइड्स का जो ऑप्शन है इसके नीचे है कस्टम शो, तो कस्टम शो में हमने कौन सा दिखाना है, वर्ड का या एक्सेल का। तो मिसाल के तौर पर हमने वर्ड का दिखाना है, तो अब हम उसको ओके करेंगे। तो अब हम अगर स्लाइड शो चलाएंगे ना इधर से, ये देखें सिर्फ वर्ड वाली स्लाइड चलेंगे, बाकी सारी खत्म हो जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपनी मर्जी के साथ स्लाइड शो बनाना सिखाया है और उसको चलाना सिखाया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने जो है वो टीचर को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।